आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उस सीरीज़ में कल के जो वीडियो है, कल के वीडियो में हमने न्यूटन गैगरी फॉर्मूले का डिराइव किया था। आज उसी फॉर्मूले से आगे एग्जाम्पल से कुछ हम देंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूटन गैगरी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री डेल क्यूब एफ ऑफ एंड सो ऑन अप टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इसी की फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। f of a plus n h equals to f of a, del f of a means forward operator with respect to a, second order, third order, up to nth order। अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को यूज किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जब मैं लिख रहा हूँ इसको इससे सॉल्व करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज गिवन बाय द डेटा। We are giving year population. In 1951, 1961, 1971, 1981, we are giving 352 in lakhs, 352,405. 473 and 354 and find the population in the year 2011. This is the for example। हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी देश की जनसंख्या इन वर्षों में 1951 में 352 लाख, 1961 में 405, 1971 में 473 और 1981 में 354 लैक्स है और आपको निकालना है 2011 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड टेबल मीन्स एक्स मीन्स हमारी एंट्री 1951, 1961, 1971, 1981, 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
means this minus this. So 5 minus 2 means 3. Then 40 minus 35 is 5. F of a plus h minus f of a. Again f of a plus h, 2h minus f of a plus h. Means 13 minus 5 is 8, 6, 68. Then इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 1, 15 में से 7 या 8 माइनस, तो ये नेगेटिव होगा माइनस। देन डेल्टा स्क्वायर, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर सेकंड डिग्री फॉरवर्ड ऑपरेटर, 8 माइनस 3 इज 5 और 1 15, दिस माइनस दिस इज माइनस 9 14 नहीं 14 नहीं, डाउन नेगेटिव हो जाएगा, डाउन नेगेटिव हो जाएगा।
दोनों नेगेटिव हो जाएंगे माइनस 149 तो माइनस 149 एंड देन डेल्टा क्यू इज अगेन माइनस माइनस दिस 4 6 और 2 नहीं पता दिस इज डेल्टा क्यू मींस हमारे पास है चार एंट्रीज है तो हमारी जो टेबल बनेगी वो थर्ड ऑर्डर तक बनेगी डेल्टा क्यू अब हम लोग यूज करेंगे हमें फाइंड आउट करना 2011 में सो दिस इज योर एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हमारी वो ए है ए ये है हमारी ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच अप टू ए प्लस एन एच सो ए प्लस एन एच जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस एन एच इक्वल्स टू 2011 जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू इसके इक्वल होगी क्योंकि फॉर्मूला हमारा ए प्लस एन एच के इक्वल है सो ए प्लस एन एच इज वेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2011 ए इज द फर्स्ट टर्म फर्स्ट मीन्स एक्स की एंट्री की पहली वैल्यू एच इन दोनों का डिफरेंस अगली वैल्यू ए प्लस एच तो एच इज डिफरेंस 10 तो ए इज 1951 एंड एच इज 10 इक्वल टू 2011 एच इज 10 और 2011 सो कैलकुलेट कर लें 10 एंड इक्वल्स टू 2011 माइनस 1951 तो विच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 6 10 इक्वल्स टू 6 सबसे पहले आप देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास जो टर्म्स दी गई है एफ ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग दिस इज योर एफ ऑफ ए दिस इज योर एफ ऑफ ए देन अगला जो डेल्टा की टर्म है दिस इज योर डेल्टा एफ ऑफ ए देन दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए एंड लास्ट इज डेल्टा क्यू एफ ऑफ ए इन फॉरवर्ड टेबल में हमारे पास जो टर्म्स निकलती है वो इस फॉर्म से चलती है यहाँ से इस एरो से हम लोग वैल्यूज लेंगे और वैल्यूज को इसमें पुट करने पर फॉर्मूले पर रखने पर तो फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो आप देखिए एफ ऑफ ए इज 352 एक करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए इज 352 दिस इज योर 352 प्लस एन सी वन एन इज वन सिक्स एन इज सिक्स सिक्स सी वन डेल एफ ऑफ ए डेल एफ ऑफ ए इज 53 इंटू 53 प्लस सिक्स सी टू इंटू 15 दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए डेल्टा स्क्वायर टेबल से आप फर्स्ट टर्म देखें दिस इज योर 15 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 63 इंटू माइनस 164 दिस इज योर डेल्टा एफ ऑफ क्यू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए दिस इज 164 सो टेबल का यूज यही है हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं हमारा फॉर्मूला फॉरवर्ड में है तो फॉरवर्ड टेबल यूज करनी है तो उस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने टेबल बनाए जो कि कल के वीडियो में हमने देखी थी किस तरह से बनाते हैं टेबल फिर इसको जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू आई एफ ऑफ ए प्लस एन एच ये जो टर्म है ए प्लस एन एच इसकी वैल्यू के इक्वल रखें और फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्योंकि ए और एच ए इज द फर्स्ट टर्म ए हमारे पास क्या पहली वैल्यू होगी एच दो वैल्यूज का डिफरेंस है हम लोग इक्वल इंटरवल में पढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल में पढ़ने का मतलब ये है कि सारे जो अंतराल है इसका अंतराल वो समान अंतराल पर होगा इसलिए आप किसी भी टर्म से 1961 माइनस 1951 या 1971 माइनस 1961 1981 माइनस 1971 सबके आप देखिए एच की वैल्यू 10 है तो सबसे पहले फाइंड आउट करें एन एन वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ से टेबल की सहायता से ए के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए फर्स्ट टर्म डेल्टा एफ ऑफ ए की डेल्टा की फर्स्ट टर्म डेल्टा स्क्वायर की फर्स्ट टर्म डेल्टा क्यूब की फर्स्ट टर्म एंड सो देन सॉल्विंग 352 इंटू 6 इंटू 53 प्लस 62 मीन 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 15 प्लस 654 321 इंटू माइनस 164 आफ्टर सॉल्विंग दिस 352 प्लस 3618 31 प्लस 15 से मल्टीप्लाई करें 225 माइनस 3 2 6 20 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं
इसकी वैल्यू देख इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने तो आप देखिए करें 10 और 5 15 प्लस में 10 और 5 15 से 6 1 7 और 2 9 3 3 6 और 2 8 माइनस 3280 सो इसको 3280 से माइनस कर दें माइनस का देंगे 5 10 में से 5 गया 5 7 17 में से 8 9 गया कितना बन गया आठ एक 31 में से आठ गया तो 23 ये हमारे 2011 एफ ऑफ 2011 दिस इज द वैल्यू। इस तरह से हम लोग न्यूटन के एटी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करके इसकी इसका से निकाल सकते हैं किसी भी टर्म का किसी भी अननोन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज। देन हम किसी भी इसी फॉर्मूले का यूज करके एक पॉलीनोमियल भी निकाल सकते हैं जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझा रहा हूं आपको। जैसे हमारे गिवन है x गिवन है और fx गिवन है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 0 3, 8, 15, 24, 35 फाइंड द पॉलीनोमियल इन एक्स। तो आपके पास देखिए टेबल गिवन है, सबसे पहले आप ये चेक करें इसका इंटरवल जो है ना वो समान अंतराल का होना चाहिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है न्यूटन कैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला या न्यूटन कैगरी फॉर्मूला ये इक्वल इंटरवल पे यूज करते हैं। तो इक्वल इंटरवल पे यूज करने के लिए x की वैल्यूज में एंट्री की वैल्यूज में आप उनका डिफरेंस देखें दिस इज 1 1 1 1 मींस हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देन कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सो एक्स इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये एक्स की वैल्यूज हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एफ एक्स दिया हुआ है 0, 3, 8, 15, 24 एंड 35 ये दोनों आपको गिवन है। फिर फॉरवर्ड टेबल बना रहे हैं तो डेल्टा डेल्टा ऑफ एफ एक्स 3 - 0 is 3, 8 - 3 is 5, 15 - 8 is 7, then 9, 11 दिस इज योर डेल्टा एफ एक्स। देन डेल्टा स्क्वायर निकाल दें डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स दिस इज अगेन 2, फिर 2, 2 एंड 2। जब हमारे पास इक्वल अगर सारी वैल्यूज आ जाए तो हम देखें डेल्टा क्यूब एफ एक्स इक्वल्स टू अरे 0, 0, 0 मीन्स आगे टेबल हमारी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे तो 0 देन अगेन 0 एंड देन 0 और जब इस टर्म की वैल्यूज हम कहीं भी लिखेंगे फॉर्मूले में तो हमारी 0 होगी। मीन्स अगर यदि अपने पास सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट आ जाती है तो इसके आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देन using this formula to find the fx. So, आपके पास देखिए a plus n h. जब आप इसमें वैल्यूज लिखेंगे तो आप देखिए a equal to 0, n equals to x ले लें, पॉलीनोमियल में निकालना है, और h is equals to 1. या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको x के इक्वल तो भी पॉलीनोमियल में निकालना है। So, a is 0 plus n, h is 1, p equals to x. This implies that n equals to x. Means, हमें फाइंड आउट करना है बहुत पद x के पदों में सो n की वैल्यू x के इक्विवेलेंट है। देयरफॉर अब हम इसको यूज करें इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले में देखिए दिस इज योर a, a के करस्पॉन्डिंग दिस इज योर f ऑफ a और दिस इज योर डेल्टा f ऑफ a, देन दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a। ये हमारे पास टर्म्स हैं a f a, डेल्टा f ऑफ a,
डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए यूजिंग दिस फॉर्मूला एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री एल क्यूब एफ ऑफ ए यूजिंग दिस फॉर्मूला एफ ऑफ ए इज हियर जीरो प्लस एन सी वन मीन्स एक्स सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए इज इनटू थ्री प्लस एक्स सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए इज इनटू टू प्लस एक्स सी थ्री इनटू जीरो मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगी दिस इंप्लाइज जीरो प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस वन बाइनोमियल एक्सपेंशन अपॉन फैक्टोरियल टू इनटू टू प्लस जीरो फैक्टोरियल टू से टू कैंसिल दिस इंप्लाइज थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स दिस इज योर एफ ऑफ एक्स ये हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स अब इसकी सहायता से हम किसी भी पद को एक्स का कोई भी टर्म हो जो अननोन है उसको हम इसमें डायरेक्टली करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड एफ ए टेन एफ टेन मीन्स यू पुट हियर एक्स इक्वल्स टू टेन इन दिस पॉलीनोमियल सो टेन स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन तो ये हो गया सौ प्लस बीस मीन्स एक सौ बीस ये एक्स यदि आपके पास एक्स टेन की वैल्यू चाहिए तो एक्स टेन की वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस पॉलीनोमियल पुट एक्स इक्वल्स टू टेन एंड यू गेट एफ ऑफ टेन इक्वल्स टू वन ट्वेंटी मीन्स इसकी सहायता से हम आगे किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं देन इसी फॉर्मूले का यूज करके आप ये क्वेश्चन और होमवर्क आप घर पे जाके इस क्वेश्चन को करें मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इसी फॉर्मूले का यूज करके एक्स और एफ एक्स के साथ और इसका होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को करना है वी आर गिविंग एक्स इक्वल्स टू 100 फिर 101 102 103 104 and 2.5 2.78 3.01 and 3.49 104 and find the value of find f of 105 yeah 108 this is your homework firstly we have constructed forward table because h is equal to equal interval h equal to 1 construct a forward table then using this formula and you can find the value of 108 after solving this a plus nh equals to 108 and the find the value of n and solve this question by the forward formula today's lecture is this and tomorrow we will next video factorial function in numerical analysis thank you